तो इस वीडियो में देखता है कि cos ऑफ ए माइनस बी cos ऑफ ए प्लस बी का जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में कैसे ड्राइव कर सकते हैं वो देखता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक यूनिट सर्कल लेता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन ले लेता है cos a कॉमा साइन ए, क्योंकि सर्कल पे कोई भी पॉइंट इस फॉर्म में ले सकता है, ए cos थीटा कॉमा ए साइन थीटा, तो यहाँ पे रेडियस 1 है इसलिए cos a कॉमा साइन ए हो जाएगा। तो ये एंगल अपना ए हो गया, इसको पी वन पॉइंट बोल देता है, ये अपना दूसरा पॉइंट है पी टू, और ये जो एंगल है वो बी मान लेता है, तो ये कॉस बी कोमा साइन बी हो जाएगा। इन पॉइंट को ज्वाइन करने से अपने पास ये बना, ये अपने पास एक ट्राइंगल बना, देख रहे हो ये पी, ये ओरिजिन है, और यहाँ पर एक पॉइंट पी थ्री ले लेता है, ये अपना पॉइंट पी थ्री है जो है कॉस ऑफ ए माइनस बी कोमा साइन ऑफ ए माइनस बी, इन दोनों के एंगल के डिफरेंस के जितना, इन दोनों के एंगल के डिफरेंस के जितना। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि पी थ्री है, और ये जो एंगल है ये ए माइनस बी है, ये वाला पॉइंट वन कोमा जीरो है, ये आपको पता है। यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करने से ये बनेगा, तो यहाँ पर ये जो लेंथ है, ये जो कोड की लेंथ है जो इक्वल एंगल सबटेंड करती है ना, वो लेंथ सेम होती है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, अगर जो कोड है वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगी तो लेंथ भी सेम ही होगी। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, जो पी वन और पी टू की जो लेंथ है वो यहाँ पर, इसको मैं पी फोर बोल देता हूँ, वो पी थ्री पी फोर की लेंथ के बराबर हो जाएगी। पी थ्री क्या है अपना पॉइंट, दिस पॉइंट के इक्वल। तो यहाँ पे लेंथ को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर अपन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता है तो सबसे पहले कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये तो अपनी इसकी लेंथ हो गई, और यहाँ पर जो लेंथ होगी वो होगी cos of a माइनस बी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस sin of a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता है। यहाँ तक कर लिया अपन ने, फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस टू कॉस ए कॉस बी माइनस टू साइन ए साइन बी, ये आ गया अपने पास। और इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो वन हो जाएगी, वैसे ही ये इसकी जगह टू लिख सकता हूँ क्योंकि ये वन एंड ये वन, और इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे वन बचेगा। यहाँ पर अपने पास क्या क्या बचा एक बार वापस लिख लेता है, लेकिन यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके साथ एक और वन आएगा, तो वो उस वन से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब बेसिकली अपने पास क्या बचेगा, टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी बचा, टू टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो इस टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इस तरीके से अपन ने इसका फॉर्मूला निकाला, अब बी की जगह यहाँ पे माइनस बी पुट कर देंगे तो ये ए प्लस बी बन जाएगा, इधर बी की जगह माइनस बी पुट कर दो, तो आपको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, लेकिन जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये जो फॉर्मूला होगा वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने कॉस ऑफ ए माइनस बी एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला निकाल लिया, अब आगे देखते हैं। तो इसी तरीके से साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है जो कि होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वैसे ही साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है सेम है, यहाँ पर बी की जगह इसमें बी की जगह माइनस बी पुट कर दोगे तो ऐसे आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सिंपल है ये फॉर्मूला। उसके बाद इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ भी सिंपल है इसका, ये साइन ऑफ ए माइनस बी है तो साइन ऑफ थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos of 90 minus theta, cos of 90 minus theta क्या होता है sin theta, अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं cos of 90 minus a plus b, ऐसे भी लिख सकते हैं,
और अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन ए cos बी ये cos a बन जाएगा माइनस cos a साइन बी, और ये ही अपन ने ऊपर लिखा था साइन ए cos बी माइनस cos a साइन बी, सिंपल है। वैसे ही साइन ए प्लस बी भी निकाल सकते हो, साइन ए प्लस बी में क्या हो जाएगा वही, इसमें इसको डायरेक्ट इसी से प्रूफ कर सकते हैं, वही बेसिकली बी की जगह माइनस बी पुट कर दोगे तो वो आ जाएगा, तो सिंपल है। तो यहाँ पे बी की जगह अपन को क्या पुट करना है, सिर्फ माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले में बी की जगह माइनस बी पुट कर दोगे तो सिंपली उसको इस तरीके से लिख सकते हो, तो बेसिकली वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो सिंपली इसका इसका भी प्रूफ आ जाएगा, तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। अभी अपन को ये प्रूफ करना है साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इसके बराबर होता है, तो बेसिकली यहाँ पर अप्लाई करेंगे अभी जो अपन ने फॉर्मूला लर्न किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस यहाँ पे साइन ए कॉस, यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ जाएगा। अब बेसिकली क्या करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब तुम क्या करो, ये जो कॉस स्क्वायर बी है इसको वन माइनस साइन स्क्वायर बी पुट कर दो, और जो कॉस स्क्वायर ए है उसको वन माइनस साइन स्क्वायर ए पुट कर दो, जो आइडेंटिटी पड़ी थी। अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सिंपली सिंप्लीफाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तुम्हारे पास आ जाएगा, तो इस तरीके से इसको प्रूव कर सकता है। आ गया, वैसे ही जो कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, सिंपली इसको भी तुम प्रूफ कर सकते हो, तो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। एकदम वैसा ही है कि यहाँ पर कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। फिर क्या करना है अपन को, ये जो कॉस स्क्वायर बी है उसकी जगह वन माइनस साइन स्क्वायर बी पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह यहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं, और बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये बताया था ये थोड़ा रॉन्ग था, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा, ये कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, इस तरीके से कर सकते हो, या फिर अभी जो कॉस स्क्वायर है उसको वन माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, और साइन स्क्वायर बी है उसको वन माइनस कॉस स्क्वायर बी भी लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी हो जाएगा, वो भी एकदम परफेक्ट है। तो अभी जो मैंने प्रूफ किया नीचे वो मैंने ये किया, उसको तुम मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके इसको तुम कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी प्रूफ कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।